स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर सिरसा में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। शहीद भगत सिंह स्टेडियम में आयोजित इस मैराथन दौड़ को बिजली व जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने हरी झंडी देकर रवाना किया। इस मैराथन में जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारियों सहित जिले भर से काफी संख्या में युवा वर्ग शामिल हुआ। मैराथन दौड़ 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की आयोजित की गई, जिसमें विजेता प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर आने वाले धावकों को मुख्य अतिथि बिजली व जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। तीनों प्रकार की मैराथन दौड़ शहीद भगत सिंह से शुरू होकर विभिन्न रास्तों से होते हुए शहीद भगत सिंह सर्कल डीएम में ही सम्पन्न हुई। न्यूज फॉर यू के लिए डॉक्टर गुलाब सिंह की रिपोर्ट। आज रन फॉर यूथ है जी, जिसमें हमारे डीसी साहब, एसपी साहब, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट के पूरा यूथ जो जिले का है, सब स्कूल से बच्चे वो सब कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है हमें ये देख के, हमें भी हमारा स्कूल वो समय याद आता है कि कभी हम भी इतने जोश से, इतने हौसले से, हिम्मत करके दौड़ते थे, भागते थे और देश के लिए ये कर रहे हैं। इसमें एक नेशनल इंटीग्रेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसमें नज़र आता है कि हमारा पूरा जो इधर उधर की बातें सुन के देखते हैं कि आज पूरी विचारधारा राष्ट्रीय जोर से जुड़ी हुई है। हमारा यूथ बच्चों का हौसला देख के, हालांकि मैं 70 से क्रॉस कर गया, पर उसके बाद भी आज हमारा भी दौड़ने को मन हो रहा है कि बड़ा अच्छा लग रहा है कि माहौल बड़ा अच्छा बना है जी। और मैं समझता हूँ ये देश की एकता के लिए बहुत अच्छा एक मौका होता है जिसमें हमें ऐसे करते हैं, ऐसे फंक्शंस करते हैं चाहिए जी। मैं तो कहता हूँ कि कम से कम 3 महीने में एक फंक्शन ऐसा होना चाहिए जो देश को एक सूत्र में जोड़ता है। ये बड़ी अच्छी एक रेस है जिसे करनी चाहिए। कहता जी अच्छा है उन लोगों की बड़ी हिम्मत हो, हौसला करके देखें कि हमारे बुजुर्ग भी इसमें कर रहे हैं। तो बच्चे हमेशा माँ बाप से, अपने बुजुर्गों से सीखते हैं। जब हम उनके साथ पार्टिसिपेट करेंगे, उनके साथ हम बराबर कदम से कदम मिला के चलेंगे, तो उनका हौसला और ज़्यादा बढ़ता है।